महकमा डरदा उन्हों का कहीं 10 करोड़ रुपया तो सीधी मूसेवाला को ले लिया 4 करोड़ टिकट के नाते 6 करोड़ रुपये धारा कह के ले लिया इलेक्शन लड़ने कोई गल राजा बड़ी किवें दे सकते और जे मैं ले भी होणगे तो मैं थोनू क्यों दसूंगा भी ले ਬਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਹੁਣ ਬਣਵਾਏ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਔਰ ਉਸ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ हो सकता है गुजरात चुनाव नू लेके कहती हो कि बड़ा हल्ला गुल्ला सी लॉ एंड ऑर्डर नू लेके पंजाब दे विच लोग उत्थे सवाल करदे सी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है गैंगस्टर जिहड़े दिन दिहाड़े घूम रहे ने मार रहे ने सो हो सकता है ये पोलिटिकल स्टंट होवे अजकल जुमला भी बहुत चल रहा है मुख्यमंत्री साहब ये गल कहन ते बंदे दी लत्तां खमणियां चाहीदियां वैसे सो एक बंदा गैंगस्टर उल्टा ये कहे कि मुख्यमंत्री नूं पता ही कुछ नहीं एवें धूड़ च टट्टू दब्बी जांदे आ सो एड्डी वड्डी गल करनी मैं समझदा कि इहो जी गल झूठी भी नहीं करनी चाहिए पर उस तो बाद वख-वख मीडिया सेंटर्स ने वख-वख ओपोजिशन दे लीडर्स ने आम लोगों ने सवाल चुके कि जदों ये गल है नहीं सी तो तुसीं ये कही क्यों इहदे ते कोई पुष्टि करो डी जी पी साहब नूं मैं भी ट्वीट लिखिया सीएम साहब नूं लिखिया लेकिन होर कोई पुष्टि तो आउंदी नहीं जो जी करदा एक तरफा बयान आउंदा सो मैनूं लगदा कि बेहतर होएगा कि तुसीं रोजाना मिलते जुलते हो गलबात होंगी रही है जी गल सो यदी भी खबर तुम उन्होंने पुष्टि कराओ कि मान साहब कारण की सीगा कि तुम ये बयान देता कि गोल्डी बराड फड़िया या हूँ दसो भी ये हूँ झूठ जी गल है वो मीडिया से आ रहा है भी ये हूँ झूठा बंदा है वह तो फड़िया भी आई है फड़ंग साहब तुम्हारे सबका साथी कमलजीत बराड़ तुम्हारे बड़े गंभीर इल्जाम ला रहे हैं सिद्धू मूसेवाला लैके वाला इल्जाम लाता कहते 10 करोड़ रुपया तो सिद्धू मूसेवाला तो ले लिया 4 करोड़ टिकट के नाते 6 करोड़ कहते धारा कह के ले लिया इलेक्शन लड़ने कोई गल ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਲਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਵੀ ਲਏ ਬਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਖਬਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਿਊਜ਼ 18 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਦੀ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹੋਗੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਲੜਿਆ ਧਨਾਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ 3 ਵਾਰੀ बाबे ने कृपा की है हुण भी कहना उच्चे बोलना बोलीए करतारों डरीए जो चोन लड़ूंगा जेड़ा भी लड़ेगा उरे ना लड़ांगे वो कोई भी होवे 3 वारी चुनाव लड़िया 4 चुनाव लड़ चुके हैं 20,000 दे वोटा दे फर्क नाल अखीर ते टिकट मिली सी हरसिमरत कौर नाल चुनाव लड़िया एक आम व्यक्ति मैं कोई पिता पुरखी तो है नहीं मैं तो थलो दरिया विछाउंदा आया ते दरिया विछा के राजा वड़िंग इत्थों तक पहुंचिया है ते लगातार जिहड़ी चुनाव लड़िया है वह राजा वड़िंग जितदा रहा है सो मेरे कहने का मतलब जिहड़ा भी विचारा साथी मैं फिर कहना है निम्रता दे नाल जिहड़ा भी कोई लड़ना चाहेगा मेरे खिलाफ ये तो ओपन है कोई भी लड़ सकता है ते जो फैसला होगा ये जनता ने देना है मैं कह दिया मैं चक दूंगा फटे फलां चक दूंगा मैं कर दूंगा ये गल्लां च कोई दम नहीं आपदे हल्कियां तो ही लड़ लिए इन्ना ही बहुत है बाहर आके लड़न का की गल है कोई गल नहीं वो गुस्सा आया वे उन्होंने